द्वितीय दिखाएगा
यहाँ पे संपूर्ण वेद की जो तात्पर्य इसमें है, कर्म भी है, उपासना भी है, उपनिषद भाग भी है, तात्पर्य इसमें है। ये प्रकरण के अनुसार तात्पर्य निर्णय शैलिंग के आधार पर तब निर्णय होता है। शैलिंग क्या क्या है? उपक्रम प्रसंहार अभ्यास अपूर्व का फलम अर्थवाद पूर्व पुरुष षडलिंग तात्पर्य निर्णय छह लिंग के आधार पर उस बात को भी तात्पर्य निर्णय किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मज्ञान एक एक करके जितना श्रुति वाक्य विभिन्न बात में श्रुति वाक्य सारे अपने आप दिखा रहे हैं कि देखो श्रुति ने एक और भी है जिसकी निंदा की जाती है वो निषिद्ध है और जिसको विधान करना चाहते उसकी स्तुति करते हैं। एकत्र विज्ञान की हर जगह स्तुति दिखाई पड़ती है उपनिषद में और भेद दृष्टि की निंदा दिखाई पड़ती है। इसलिए भेद निंदनीय है, इसलिए भेद भेद दृष्टि निषिद्ध है और एकत्र दृष्टि की प्रशंसा की है तथा कोष हो एकत्र मन कर सके और विग्रह है। इसलिए इस प्रकार से कई जगह पर अश्रुति श्रुति अपने आप बोलती है। क्या बोलते हैं? इंद्र माया भी पूर्ण रूप में मिल जाती है। जो भी कुछ आपको दिखाई पड़ता है ये सारा माइक है, ये कोई पारमार्थिक नहीं है। भगवान स्वयं नारद के बोधन माया ही है, सब माया सृष्टा ये नारद ये जगत दिखाई पड़ता है, ये सब माइक है, मेरे तरह बनाया गया माया सृष्टा माया ही है। सब जब मां पर शशि मां भी जो मेरा रूप दिखाई देगा तो विभिन्न गुण ही युक्त है, ये तीन गुणों के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं देना मांग गया तुम्हारा इसके द्वारा मेरे को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, अपने आप सृष्टि करता जिसने बनाया वो अपने आप ही बोलते हैं। भगवान भगवद गीता में क्या होता है? अनित्यम असुखम जिस जीव की सृष्टि अनित्य है, ये शोकदायक नहीं है। जिसने सृष्टि को बनाया वो स्वयं बोल रहा है और फिर भी हम क्या करते हैं किसी में शोक ढूंढने लगते हैं। तो बनाया क्यों आपने? इसलिए बनाया था एवं प्राप्य भजस्वान मनुष्य शरीर हमने इसलिए दिया कि मनुष्य शरीर पा करके भगवत भजन करके मुक्त हो जाओ संचार बंधन से, तुम अपना जल में फंसा दो। यही अभिप्राय है। इसलिए यहाँ कल हम लोग श्लोक को पढ़ लिए थे कि आवर्तिक उत्पत्ति होना संभव नहीं है। 27 नंबर जो श्लोक है उसका ऊपर भाष्य पूरा हो गया था, टीका चलना है। ठीक है, श्लोक एक बार सब मिल के पढ़ेंगे। सतो हि माया जन्म युज्यते ननु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते। सत से अथवा सत का दोनों ही हो सकता है। सत से भी उत्पत्ति नहीं हो सकता और सत का भी उत्पत्ति नहीं हो सकता। सत से सत का, सत से असत का दोनों प्रकार की उत्पत्ति होना संभव नहीं। सत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, मान बस पर असत से असत का, असत से सत का उत्पत्ति नहीं हो सकती। हमारे पास दो ही है, सत और असत। सत से सत्य की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, अधिक उत्पत्ति दिखाई देता है तो माइक है, पर सत से असत की उत्पत्ति होती नहीं है। और बाकी असत, असत से न असत की उत्पत्ति हो सकते हैं तो सत की उत्पत्ति को कहना क्या? उत्पत्ति के मतलब आपके पास प्रक्रिया इससे भिन्न तो है नहीं हमको। इसीलिए सतो ही माया जन्म युज्यते तो कोई विद्यमान वस्तु की जन्म की प्रतीति होती है समझना वो माई है। तत्व तो जाए से पहले अजत्य की प्रतिज्ञा करते फिर बात जो लोग कहते हैं कि पारमार्थिक उत्पत्ति हुई है वो जो है जातम कश्य ही जाए तो कोई विद्यमान वस्तु से कुछ उत्पत्ति हुआ ऐसा मानना पड़ेगा। इससे अनवस्था को कहता है वो जात वस्तु कहाँ से आया फिर वो ज़्यादा वो फिर वो कहाँ से है ये जो संकल्प दूषित हो जाएगा। इसीलिए एक जगह पे आकर के आपको रोकना ही पड़ेगा कि इसकी जन्म नहीं है। यदि सभी जन्मशील वस्तु से भी दूसरे का जन्म होता है ऐसा मानोगे तो अनवस्थ दुष्ट है। हर बात योग एक जगह पे मानना ही पड़ेगा। जिस प्रकार शांकरवादी ने प्रकृति को जन्म रहित माना, प्रकृति को जन्म रहित फिर प्रकृति सर्व कर दिया है। न्याय स्पर्श सिद्ध दर्शन ने परमाणु को परमाणु नित्य मानते हैं।
वेद की अंतर वेद भी सृष्टि का अंतर्गत ही है, और यदि दुर्भाग्य सृष्टि की कल्पना में तो वेद की अपौरुषेयता की हानि हो जाएगी, क्योंकि ये उनके वेद मंत्र सर्व शब्द राशि को मान लिया। वेद ज्ञान है, ये उनको जो है जिस प्रकार हम रोज सो जाते हैं वह भी निद्रा में चले जाता है, हमारी ज्ञान सारा सृष्टि हमसे लोप हो जाता है, हम तो ज्ञान की लोप नहीं होंगे, हम दोबारा उठ जाते उसी ज्ञान से क्या बनाता है। इसलिए पूरा प्रलय महाप्रलय काल में भी ये पूरा की पूरा सृष्टि बीज रूप में ईश्वर में रह जाते हैं, कोई से भी लोग इंटक्ट होकर के आते हैं। पूर्ण दर्शन इस सृष्टि को नहीं तो माना, अब सभी भाग्यों ने चाहे कोई प्रकृति से प्रभु से माना तो प्रकृति को लोग अजो मानो, फिर परमाणु को जो न्याय प्रशस दर्शन उसको जो है नित्य मानो, उसको प्रति नहीं मानो, सभी भाग्यों को अलग अलग करके माना। कम सुखी ने जिसको कहा एक जगह पर आप कहते हैं जो कहते हैं कि नहीं जन्म रहित है, परंतु उसको जन्म हो गया तो क्या कहा तो सोता है, जन्म रहित भी फिर जन्म कैसे होगा, इसे जन्म रहित करना जन्म हो सकता है ना, उससे कोई उससे किससे जन्म हो सकता है, ये उनको सिद्धांत है। अब इसके ऊपर देखिए ठीक है, हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, पेज 171 के श्लोक के लिए आनंद के लिए जो अर्थ दिया था उसको हम पढ़ लिए ठीक है ना। अब जब भाष्यकार के लिए उपकार दिए थे क्या बोले थे कि द्वैतम अद्वैतम आवेदयन का थर्ड लाइन राइट हैंड कॉर्नर पेज 171 टीका में अद्वैतम आवेदयन का द्वैत निषेध को श्रद्धा अद्वैत को बोध कराती हुई द्वैत को निषेध करने वाली श्रुति के द्वारा दृश्यत्व जलत्वादि युक्ता विमतम मिथ्या दृश्यत्व जलत्व परिच्छिन्नता विकारी तरीका का हेतु दिया है। इस प्रकार युक्ति के द्वारा जब तथा विधया निर्धारित सृष्टि माइक है ऐसा निर्धारित तरीक है, इस विषय द्वैतमार्थम श्लोक अक्षरार्थ कथनम कथनार्थम अनुपत, इस विषय को श्लोक में आए हुए पद की अर्थ को कथन करने के माध्यम से भगवान भास्कर द्वारा अनुवाद जो पहले कथन करके आया उसको दोबारा बोलते हैं। एवं स्तुति बात को सदे स्वाभाव्य अभ्यंतरम अजम आत्मदत्तम अभ्यंत के निश्चित होने का, इस प्रकार से अनेक वाक्यों की स्तुति वाक्यों के माध्यम से तो एक ही तत्व अंतर भाव पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु जन्म नहीं है, एक भेद रही है ना, जो आत्मतत्व है इसमें शरीर के बिना तो शब्द भेद नहीं है, न तत्व अन्य उससे भिन्न का तो संसार है कुछ भी वस्तु नहीं है, क्योंकि निश्चित नहीं है, ऐसा स्थिति के द्वारा निश्चय करके दिखाया गया। अच्छा अब क्या युक्ता च अधुना एजा देव पुनर्निर्धारण जो श्रुति बाबू के द्वारा दिखाया गया युक्ति के द्वारा उसी को दोबारा निर्धारण करके निश्चय करके दिखा रहे हैं। अच्छा भाई ये यहाँ तक हो गया था, उक्तम एव वस्तु लिखा उक्तम एव वस्तु युक्ति अंतरेण पुनर्निर्धारण, तो जिस विषय के बारे में कथन कर दिया गया उसी विषय के दोबारा निर्धारण करने के लिए उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति अगला ग्रंथ नाथी प्रवृत्ति हो रहा है, इति आहुषिक मन में रखते हुए अधुना अधुना एव पुनर्निर्धारण जिसको युक्ति के द्वारा एतदेव युक्त पुनर्निर्धारण अब युक्ति के द्वारा दोबारा निर्धारण करने निश्चय करके दिखा दिया। पूर्वार्थम शंका उत्तरत्ते न व्याख्या तो क्षमता यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे, श्लोक की जो पहला आधा भाग है वो कुछ शंका के उत्तर में आया हुआ है, श्लोक की जो पहला आधा भाग है वो एक किसी शंका के उत्तर में आया हुआ शंका है उसको देखा जाएगा भगवान जी। पूर्वार्थम शंका उत्तरत्ते न श्लोकस्य पूर्वार्थम श्लोक की पहला आधा भाग है वो किसी शंका के उत्तर के रूप में कार्य कर कहना चाहता है, उसी को व्याख्या करने के लिए शंका को उठाते मतलब श्लोक के माध्यम से ये कहना चाहते हैं क्या सदा अग्राह्य में बचे, यदि हमेशा ही वो अग्राह्य इसके पहले श्लोक में आपने क्या बोलता है सर्व अग्राह्य भाव है ना हेतु प्रकाश है, यदि ये कभी भी ग्रहण नहीं होता तब जो वस्तु है ही नहीं उसका ग्रहण नहीं हो, यही सिद्ध हो जाएगा वो नहीं है, यही सिद्ध हो जाएगा ये शंका उत्तर के रूप में तत्र सदा अग्रह्यमेव चेत असद एव आत्मतत्वमिति, तब तो आत्मतत्व असद हो जाएगा मत तो है नहीं, बंधक उत्तर देता है कैसा मानना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो तत्र प्रतिक्रिया हमें तत्र शब्द से क्या लेंगे तो टीकाकार लिखते हैं श्लोक सत्यम्य परामिष्कते और सप्तमी पद कौन है तत्र एतस्य सप्तमी अंत कौन पद है तत्र तत्र किसको विवर करता है श्लोक,
श्लोक श्लोक सप्तम श्लोक सप्तम श्लोक के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि जो तुम कहना चाहते हो क्या कि जो है जिसका ग्रहण नहीं होता वो तो असत वस्तु है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा मैं करके किसी का ग्रहण होता है और किसका ग्रहण होता है। जब आप कोई भी व्यक्ति किसी को पहले कौन हो मैं पहले उत्तर देते हैं, जो पहला उत्तर मैं देता है उसके उसमें क्या वो चेतन तत्व विद्यमान नहीं रहता क्या? ठीक है आपको ज्ञान नहीं है शरीर को मैं करके बोलते हैं परंतु शरीर को कुछ भी बोलने के लिए करने के लिए चेतन की विद्यमान तो अवश्य है। तो सब मिला करके संघर्ष को ही अब मैं करके बोलते हैं संघर्ष को मैं कैसे लिए मैं का ग्रहण नहीं हो रहा ऐसी बात नहीं है। मैं का ग्रहण तो सदैव हो रहा है हमेशा हो रहा है। अच्छा फिर आगे बोलते हैं ठीक है जन्म कदाचित विधीयते तद अत्यंत असत्य सस्व विषाणाधिवत्यम जो कभी भी विषय रूप में हमारे सामने नहीं आता जिसका ग्रहण कभी भी नहीं होगा वो असत वस्तु है। जैसे बंधन पुत्र सस्व विषाण इस प्रकार मानना चाहिए इस प्रकार मानना चाहिए गौरवानी बोलते हैं जन्म कदाचित विधीयते जो वस्तु कभी भी ग्रहण नहीं आता तद न कदाचित तद अत्यंत असत्य वो तो अत्यंत असत वस्तु है मतलब उसकी विद्यमानता ही नहीं है। किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए आपको दो चीज बताना पड़ेगा वस्तु के लक्षण और वस्तु के प्रमाण। लक्षण प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि ये हमारे ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र क्या है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ठीक है अथ मतलब साधक चतुष्ट संपन्न व्यक्ति अतः उसको समझ में आ गया कि नित्य वस्तु को नित्य साधन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसीलिए वो नित्य वस्तु के पहुँच में वो ब्रह्म को जिज्ञासा करके गुरु के पास जाते हैं। ठीक है तो ब्रह्म क्या वस्तु है ब्रह्म क्या वस्तु है क्योंकि आप ब्रह्म न नया पद अथ अतो अर्थ कर दिया आप ब्रह्म एक नया जिज्ञासा भी हम समझते थे जानने की इच्छा ब्रह्म क्या वस्तु है तो उसका क्या लक्षण किया लक्षण प्रमाण वस्तु कैसे आपको ऐसा पता लगा शास्त्र में तो वहाँ पे उपासना है कर्म है सबको हमें कथा ब्रह्म भाव में प्रतिपादन कर दिया ऐसे कैसे पता लगा आपको समन्वय करके तात्पर्य उसका अद्वैत ब्रह्म भी है ये समझ में आता है। ये पूरा चतुश्रुति किसी को पूरा ब्रह्म सूत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ भी ऐसे बोलते हैं जो वस्तु आपको सिद्ध करना पड़ेगा वो प्रमाण गम्य होना चाहिए ये तो कोई प्रमाण गम्य नहीं है। आप बोलते हैं जो तो आप कौन कौन प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अभाव किसी नभाव विमान अनुपलब्धि और आगम प्रमाण आगम प्रमाण के द्वारा इसको जाना जाता है। तब आगम प्रमाण के साथ तो प्रत्यक्ष का विरोध है फंडामेंटल कंसेप्ट यही है एक प्रमाण का विषय दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता है प्रत्येक प्रमाण का प्रमेय वस्तु अलग अलग होता है। तो आगम प्रमाण का प्रमेय वस्तु क्या है आगम को यदि आप प्रमाण मान के आस्तिक दर्शन वाले आगम को प्रमाण माना तो आगम का प्रमेय वस्तु क्या होगा आगम का प्रमेय वस्तु आगम एक प्रमाण है बिल्कुल प्रमाण है वेद का प्रमेय वस्तु क्या है किसको प्रमाण करना चाहते हैं जो अंग किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना यदि दूसरा किसी प्रमाण के द्वारा ब्रह्मों को आप जान सकते हैं यदि आप आँख के द्वारा शब्द सुन सकते हैं तब इंद्रिय भगवान नहीं देते प्रत्येक इंद्रियों का अलग अलग विषय प्रत्येक प्रमाण का है ना प्रमाकरणम प्रमाणम प्रमाण के लिए दशा अलग कारण सो प्रमाण बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये जो कोई प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग विषय है वही उसका प्रमेय वस्तु होता है। तो श्रुति प्रतिपात्र विषय है एकत्र जीव ब्रह्म एकत्र वही उसका प्रमेय वस्तु ये किसी प्रमाण के कारण नहीं जाना जाता यदि जाना जाता तो श्रुति की प्रामाणिकता क्या है श्रुति की प्रामाणिकता क्या है आपको बोलते हैं प्रमाण अभावे मतलब किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता है इसलिए प्रमेय असिद्धे प्रमेय सिद्ध नहीं होता प्रमाण अभावे प्रमेय असिद्धे यदि किसी प्रमाण के द्वारा जाना जाता
तब तो हम ये प्रमेय वस्तु ऐसा मानते हैं, तो आपका प्रमेय वस्तु सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, ये प्रमाण नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि काफी मुख्य रूप से ये जो शून्यवाद अथवा असत से उत्पन्न होता है ना बौद्धवादी वस्तु मतलब नास्तिक दर्शन, इसके पहले जो इस मत के साथ प्रयोग दिखाया वास्तविक दर्शन को लेकर, अब नास्तिक दर्शन को लेकर वेद को नहीं मानते, इसलिए उस बारी के पक्ष खंडन करने लगा है। इसलिए जब ना कदाचित विग्रह जो वस्तु कभी भी गृहित नहीं होता तब अत्यंत असत व अत्यंत असत के समान है, जैसे सशस्व शांति आदि का समझना चाहिए। क्यों? ये प्रतिज्ञा वाक्य है, अभिव्यक्ति दिखा रहे हैं, प्रमाण अभावित प्रमेय असिद्धि, जहाँ प्रमाण नहीं पहुँचता वहाँ प्रमेय की सिद्धि नहीं होती, जहाँ प्रमाण व्यापार नहीं कर सकता वहाँ प्रमेय की सिद्धि नहीं होती, असिद्धि विधि अर्थ इसका ही प्रकार। जब बोलते देखो एक कार्य लिंग को अनुमान होता है, कार्य को देख करके हम इसके बीच कोई ना कोई कारण है कि हम अनुमान कर सकते, ठीक है, और यद्यपि खूब सावधानी से समझना है, अनुमान के लिए आपको व्यक्तिग्रह होना चाहिए, व्यक्तिग्रह मतलब दोनों के बीच में संबंध, जैसे धुआं और अग्नि में संबंध है ना, जत्र यत्र धुंध तत्र तत्र गंध, ठीक है ना, तो ये जो हम बोलते हैं तो आप आत्मा में जो किसी के साथ संबंध नहीं है सब तो असंतुष्ट होकर रखता है, यहाँ तो अनुमान के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, अनुमान के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, तब हमको क्या करना पड़ता है, एक मान्यता देना देता है, क्या ये आधारों पर कि आत्मा से जन्मादस्य जात मतलब जन्म सृष्टि, यद्यपि अजातवाद हम बोलते हैं परमात्मिक सृष्टि होना संभव नहीं है, क्योंकि हम अजात जातवाद की मान्यता देकर के अजात को समझाते हैं, जातवाद की मान्यता देकर के अजात को समझाने के लिए अभी प्रक्रिया को अपना अर्धारोप अपवादाध्यम निष्प्रपंच प्रपंच हमारे नए हैं। इसी में हम बोलते हैं कि कार्य लिंग अनुमान वशा है ना, कार्य लिंग रूपी कार्य रूपी चिन्ह को देख करके अनुमान कर सकते हैं इसके पीछे कोई कारण, कल भी मैं समझाया था आपको कार्यात्मक जगत दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, कभी भी कोई कार्य कारण के बिना तो हो नहीं सकता, किसी भी कारण आप कारण के बिना हो नहीं सकता, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ये ध्यान रख तो मानना ठीक है, जब आप निश्चय हो गया इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, कारण जो है सामान्य रूप से एक उपादान कारण एक निमित्त कारण होता है, न्याय दर्शन के समवय असमवय कारण भी होता है, पूजन न्याय जाकर को वेदांत के सिद्धांत के अनुसार उपादान कारण और निमित्त कारण होता है, अन्य सभी जगह पर दिखाई पड़ता है उपादान कारण निमित्त कारण भिन्न भिन्न होंगे, परिणाम का क्या होता है, अब तो हमारे पास एक तत्व से भिन्न दूसरा है ही नहीं, जब एक में अद्वितीय बोला तब हमारे पास दूसरा भी तत्व है, तो इसी को अभिन्न निमित्त उपादान कारण माना, एक श्लोक आता है मुंडक उपनिषद में, यथा पूर्णना भी सृजते गृहते च यथा पृथिव्यम औषध संभवती तथा सत्पुरुषात केश रोमानी तथा अक्षरा संभवती भविष्य, वहाँ पे तीन चीज को यहाँ पे दिखाया, जो उपकरण रहित सृष्टि यदि आप देखना चाहते हैं तो पूर्णना भी को देखो बकरी को देखो, इसके पास कुछ भी नहीं रहता, कितना चैकेट है कितना लंबा दीवार की जाएगा उतना देख करके आप नहीं जाना से उतना लंबा मोटा धागा बनाए, किसी में अपना खाना पीना रहना मकान सब कुछ हो जाए, किसी का सहारा नहीं है, उपकरण रहित सृष्टि होना संभव है, यह दृष्टांत है, और सजातीय सृष्टि है ना जिस प्रकार पृथ्वी से औषधि वनस्पति उत्पन्न है, विजातीय सृष्टि जैसे हमारे चेतन शरीर से जल न खून प्रसाद उत्पन्न, तो तीनों प्रकार की सृष्टि के यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं ना, तथा अक्षर संभवती भविष्य इस प्रकार से अक्षर तत्व से विश्व उत्पन्न होता है, तो ये यहाँ पे होना संभव है कि कार्यलिंग अनुमान को देख करके मतलब जो कार्यात्मक जगत को देख करके हम अनुमान कर सकते हैं कि ये व्यक्ति, आप देखिए आप एक जो कार्यलिंग अनुमान एक व्यक्ति को आप एक व्यक्ति किसी को खिलाने का इच्छा रखता था, जैसे ब्राह्मण को उठा के ब्राह्मण किया पूजा किया ब्राह्मण को खिलाऊंगा, तो सोचता कि वहाँ पर भयंकर भूख है तो दूसरा पत्ता आदमी को बुलाते हैं तो कम खाएगा कम होगा, कोई बात नहीं, तब देख खाने का प्रसंग आया तब देख रहे अरे वो तो चार किलो मालपुआ खा दिए मिठाई खा दिए भाती भर भी खा गए, ये कार्य लिंग अनुमान तब तक दुबला पत्ता होने से लिखा के लिए बताती है उसको देख कर आप बताओ, अब किस व्यक्ति को दोबारा कहीं खिलाने का प्रसंग आया तो इस व्यक्ति को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा,
उसको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। कार्य लिंग अनुबंध लिंग कहते हैं, क्योंकि कार्य के सापेक्ष भी हम कारण को समझा रहे हैं। कार्य नहीं रहेगा तो कारण नहीं समझ पाएंगे, जिसको हम लोग तटस्थ लिंग बोलते हैं। हमको पूछा किसी ने आकर के, वो मिस्टर दीक्षित का मकान कहाँ है, तो मैंने कहा वो उधर देख लेते, हाँ देखो इधर से जाओ ना वहाँ पे देख रहे हैं, देखो इधर से दिखाई एक सॉलिड स्कूटर का है ना, उसका जो पीछे वाला मकान है उस मकान से पीछे वाला मकान अथवा वही मकान। उस व्यक्ति जो वहाँ पे पहुँचता है करते हो सकता है स्कूटर वहाँ पे नहीं है, परंतु उसको यहाँ से पता लग गया कि वहाँ पे है उसका मकान, फिर उसको पता लगेगा। ठीक इसी प्रकार ये जो है हमारे तटस्थ लिंग स्वरूप लक्षण होते हैं, तटस्थ लक्षण होते हैं। वो तटस्थ लक्षण आपको जब ज्ञान होगा तो अब ये नहीं रहेगा, जगत नहीं दिखेगा, तो जगत नहीं दिखेगा, परंतु उससे भूत हो जाएगा वस्तु का, धीरे धीरे जाते जाते भूत हो जाएगा आपका निश्चित कर। कार्य को कार्य लिंग परमा यही है कि सामने जो वस्तु दिखाई दे रहा है उसी को देख करके हम बोलते हैं। क्यों? इसके पीछे एक कारण और है। एक व्यक्ति सर्प के डर के मारे भाग रहा है, सांप 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 अथवा चोर चोर चोर, आप कोई उसको कहता है दूर मुर दूर वहाँ पे ना चार भैंस सौ चोर है, वो व्यक्ति रुकेगा कि भागेगा? वो व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने रुकेगा कि भागेगा? बोलते नहीं हमारे बात को मानता ही नहीं, उसके बाद नहीं जा पाता। परंतु हाँ हाँ रुक तो ठीक बोल रहे, चलो हम लोग थोड़ी देर बाद जाए बैठ जाए कब नहीं हम लोग जाते। तो क्या हो गया, वो जो उसकी चोर अथवा सर्व भ्रांति थी, ये व्यक्ति अनुवाद करना जो है ठीक है कोई बात नहीं घबराओ नहीं भागो नहीं, फिर जो अगर चोट लगेगा वो तो इस प्रकार श्रुति हमको पहले हमारे बुद्धि में बैठे हुए वहाँ रुकाते हैं। रुकाने के बाद फिर धीरे धीरे अपनी परीक्षा में ले जाते हैं, अच्छा ठीक है तुमको दिखाई दे रहा है जरा अनुसंधान करना पड़ेगा। तब वहाँ पर ले जाके लाइट जला दिया, लाइट जलने का सर पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चोर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब यदि हम उसको पहले ही बोलते तो मूर्ख में अंदर भाग जाए यहाँ से, तक वो समझ में नहीं आता, वो कभी उसको समझ नहीं आता। अब इसका इसके कार्य लिंग वर्मा ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपकी कथा नहीं बता रहा हूँ, छांदोग्य उपनिषद में इंद्र इंद्र विरोचन दोनों आते हैं प्रजापति ऋषि के पास आते हैं, 32 साल तक तो कोई बात ही नहीं करते, फिर जब बात शुरू किया तब बोलता है भाई तुम लोग यहाँ पे 32 साल से इतना राजा हो तुम देव लोग शुभ लोग बैठे हो, वो तीन जो आपने एडवर्टाइजमेंट किया था जो आत्मा को तो आत्मा में जगह विकास सत्य काम सत्य का जो एकदम आत्मा नाम अनुविध बल्कि सर्वे शुद्ध सर्व काम चारो भव ऐसे वहाँ पर प्रजापति ने मतलब जो इस आत्मा को जान लेता है समस्त लोग में दशत्व विचरण करते हैं। इंद्र भी चाहता है कि मैं असुर लोगों पर विजय प्राप्त करूँ, असुर भी चाहता है कि मैं देव लोग के ऊपर विजय प्राप्त करूँ, इसी इच्छा से दोनों आया हुआ था। 32 साल बैठने के बाद जब उपदेश करते हैं बोले जो ऐसे अक्षिणी पुरुष होते शत आत्मा ऐसा बोला, इंद्र विरोचन दोनों को ही गलत नहीं हुआ, परंतु विरोचन सोचा कि छाया तो आत्मा नहीं हो सकता, शरीर ही आत्मा होगा, अशुभ को लेकर के यही कथन करते हैं। इंद्र जाते जाते लक्षण को घटा रहा, लक्षण को घटाने के कारण देखा रहे वो तो बोल रहे जो आत्मा अपमान तो आत्मा भी करो विषय को हाथ पैर कट जाएगा झरा हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा छाया में तो मर जाएगा, ये आत्मा नहीं हो सकता, तो घूम के वापस आते हैं अष्टमध्याय चांद्य को अष्टमध्याय आने के बाद वह बोलता है न मात्र भोग का उपश्रम ये तो आत्मज्ञान नहीं हो सकते इससे कोई लाभ नहीं होगा, एवं मैं भाई इधर मरूंगा हाँ तुम्हें ठीक है बसो अपराणी दादिशति वर्षण और 32 साल को बैठो तुम ये तुम तुम एवं भूल अनुव्याख्या स्वामी इसी को ही मैं तुमको दोबारा बोलूँगा। बोल सकता था इंद्र को यह मूर्खानंद मैं तेरे को अच्छी तरह समझा तेरे को फिर भी नहीं समझता मत नहीं बोला क्या बोला हाँ तुम ठीक बोले ठीक है और 32 साल बैठो तब फिर जो अंदर थोड़ा सा प्रतिबंध बैठा हुआ वो मिल जाए तब तुमको समझ में आए। इसलिए श्रुति का एक अनुवाद भाग है एक प्रतिपाद्य भाग है, अनुवाद भाग हमारे हित के लिए है नहीं तो हम कभी कुछ में प्रवेश नहीं करते, कभी हम प्रवेश नहीं करते उसमें जो हमको समझ में आ रहा है उसको मान्यता दे करके। पहले हम जैसे कोई बच्चा खाना नहीं खाना चाहता तो बच्चा जो पसंद करता है मम्मी पहले उसी के माध्यम बना कर दें फिर उपयोगी वस्तु को खिलाते हैं, बिल्कुल ऐसे श्रुति माता हम लोगों को ऐसे करते हैं। इसलिए अभी बोलती हैं कार्य लिंग अनुमान अनुसार इस कार्य में जो चिन्ह है इस चिन्ह के देख कर उसके बल पर आत्मतत्व कारण तीन सत्व निर्णया ये जो आत्मतत्व का वही जगत का कारण है इस प्रकार इसकी सत्वा की सत्वा एग्जिस्टेंस निर्णय हो जाने के कारण
पार्थिवृंगक हनुमान वशा, पार्थिवृंगक हनुमान के बल पे आत्म तत्व सनातन आत्मा के अंदर है जो हमारा रियलिटी है, कारणत्वेन उसी में कारणत्व का निश्चय होने से सत्य निर्णय उसकी सत्ता है ऐसा निर्णय हो जाने के कारण। अब तो ये चीज ध्यान रखना कि आप जब कार्य के माध्यम के कारण का समझे तो कार्य जब नहीं रहेगा तो आपको कारण कैसे समझ में आएगा, तो आता है। मैं अभी बोला कि एक व्यक्ति को आपने खिला है और दोबारा आप उसके क्यों आपको याद है, कार्य देख करके आपने निर्णय कर लिया था। इसी प्रकार से जो एक यदि मन में ऐसा हो जाता है कार्य के माध्यम से कारण को आप समझा रहे हैं तो जब कार्य नहीं रहेगा तो हमको कारण कैसे समझ में आएगा, जब वहाँ पर स्कूटर नहीं रहेगा मैं उस मकान को कैसे समझूंगा, यदि नहीं समझ पा रहा समझना हमारे बुद्धि का भी कमी है, थोड़ा सा हमको विचार करना पड़ेगा। तटस्थ लिंग के द्वारा जब हम दूर की वस्तु को समझाते हैं और फिर जब हम उसका निर्णय नहीं कर पाते हैं तब समझने का हमारे बुद्धि में स्वच्छता नहीं है। इसकी छात्रों को शास्त्र अध्ययन होते हैं पंडित मेधावी गंधराम उपसंपत्ति के, जो गंधर देश किसी को उठा के लाया था उसको जंगल में बांध को छोड़ दिया, फिर मुझे बचाओ बचा कर चिंता करते हैं, चिंता करके फिर आकर उसके हाथ पैर का बंधन खोलते हैं, मुँह का बंधन खोलते हैं, वहाँ से आए होते हैं गंधर देश के रहने वाले, हाँ उत्तर दिशा में जाओ वहाँ भी गिर मिलेगा, फिर उसके बाद एक मंदिर मिलेगा, उसके बाद एक तालाब मिलेगा, फिर डेंडा घूमना का इस प्रकार होना। अब भगवान विष्णु अपने आप होती हैं पंडित मेधावी गंधराम उपसंपत्ति, भाषा इसका अर्थ लिखते हैं पंडित मतलब गुरु उपदेश को समझना और मेधावी मतलब गुरु उपदेश को समझ करके पालन करना, वो व्यक्ति गंधर देश पर पहुँच जाता है, वो अपनी अभिष्ट लक्ष्य में पहुँच जाता है। चंद्र को प्रशक्ति आया है भाषा में देखना, पंडित का मतलब क्या होता है गुरु उपदेश को समझना और मेधावित्व क्या है उसको ठीक से पालन करना। हमने रास्ते में जाते हैं तो गुरु जी ने बोला कि देखो वहाँ पे एक सुंदर तालाब आएगा जिस प्रकार यहाँ से कोई व्यक्ति गंगोत्री जाना चाहता है, रास्ते में एक सुंदर डैम आता है मानवीय डैम और उसके बगल में मान लीजिए अन्य बगीचे हैं, कोई व्यक्ति डैम को देख करके जो वहीं पर रुक जाते हैं तो क्या गंगोत्री दर्शन कर पाएगा, कि ऐसे हमारे लिए भी ऐसे होगा। हम तो एक शरीर यात्रा भगवान ने दिया है आपका आत्मतत्व को लक्ष्य बनाकर जो प्राप्त करने के लिए, साथ में संसार की बगीचा है ना, इस बगीचे के सुंदर जो हमारे मन का पोषण करके हमारे लक्ष्य को हमको दूर करते हैं, है ना। इसलिए पंडित मेधावी मन का लक्ष्य होता है, मेरा भी यही है कि पहले लक्ष्य को आत्मोक्षात्म जगतिताय चल, पहले अपने मोक्ष को प्राप्ति कर फिर जगतित जैसा होगा दिखाया जाएगा, उसके लिए हम संकल्प नहीं करना। इसी के अंदर होता है कार्य लिंग का अनुमान दशा आत्मतत्व से कारण के सत्य निरात्म तत्व का कारण को रूप सत्ता की निर्णय हो जाने के कारण न असत्यम चत्व, इसलिए कारण की सत्ता ही नहीं है इस प्रकार की शंका ही नहीं हो सकती, न असत्यम चौतम इसलिए वो असत है इस प्रकार शंका नहीं हो सकता, यदि दूष यदि इसको मन में रखती भगवान भाष्य का बोलते तब न। यदि छोटा सा भगवान आपका ये कथन सही नहीं है, क्या कथन सही नहीं है, ये जो आप बोल रहे हैं कि जो वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है वो है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति हो जिस व्यक्ति को अपने दादा को दिखाई नहीं दिया, अपने दादा दिखाई नहीं दिया मतलब कार्य लिंग में हनुमान पिताजी को देख करके दादा को इलाज हो गया, निश्चय मनमन का तो सही रहता है गलत नहीं होता, इसीलिए ये नहीं कह सकते कि इसके पीछे कोई कारण नहीं था, मतलब विद्यमान कोई वस्तु कारण हम कारणता को तो निषेध कर देंगे, परंतु कोई अशून्य से उत्पन्न ये बात नहीं है, कोई विद्यमान वस्तु से आई हुई है। देखने आप ना सतो सतो शब्द का पहले विद्यमाना और दूसरे बात पत्र क्या बुद्धमान से एक बार पंचमी अंत एक बार षष्ठी अंत किया था, इसलिए यहाँ पे इसलिए उसका सत्य निश्चय हो जाता है। कार्य लिंग का अनुमान वशा आत्मतत्व से कारण के न सत्य निर्णय न असत्यम चौदमिति दूष है तो असत है ऐसा शंका नहीं कर सकते तब न होगा, फिर उसकी क्यों हेतु दिया प्रतिज्ञा है तब न, और हेतु क्या दिया कार्य ग्रहणा यानी संग्रह वक्त है कार्य कार्य ग्रहण भाषण, तो इसलिए हमें टीका का लिखते हैं संग्रहित अर्थम दृष्टान्त विभिन्न जो संग्रह वाक्य कोई दृष्टान्त द्वारा विस्तार से कहते हैं संग्रहित अर्थम, संग्रहित अर्थम क्या है संग्रह वाक्य कार्य घना इसको दृष्टान्त के द्वारा विस्तार करते हैं, संग्रहित अर्थम दृष्टान्त विभिन्न दृष्टान्त के द्वारा विस्तार करते हैं। यथा सत माया विदो माया जन्म कार्य दृष्टान्त हो गया, जैसे एक माया जादूगर के द्वारा माइक वस्तु को दिखाए माइक वस्तु को पैदा किया जाता है, जादूगर के द्वारा माइक वस्तु को पैदा किया जाता है,
उसी प्रकार से एवं जगत जन्म कार्यम विमानम, जगत की इस जन्म रूपी कार्य को ग्रहण करते हुए माया बिना जीव कोई एक मायादी के तरह कोई एक वस्तु परमार्थ संतम आत्मानम, जो एक पारमार्थिक सत्य वस्तु है उस आत्मा को जगत जन्म माया अस्पताल उस आत्मा को जगत हेतु के लिए जगत उत्पत्ति के लिए कारण है इस प्रकार बोध करवाती है। सुखी ना सुखी अवगम जाति बोध करवाती है अथवा करवाता है इस प्रकार परमार्थ शांतम आत्मानम जगत जन्म माया अस्पताल माया के आश्रय से हुआ है ऐसा बोध कराता है। अच्छा तो यहाँ भी टीकाकारी हनुमान बोलते हैं कि विमतम सत अधिष्ठानम कार्य संप्रति बंधवत, जहाँ कहीं भी आपको कार्य दिखाई देगा जिस संप्रति बंधवत जहाँ तुम्हारी मान्यता है, जहाँ तुम्हारी मान्यता है चाहे विवर्तवाद को ले चाहे परिणाम बात करो चाहे भ्रांति स्थल लो चाहे परिणाम लो, आपको यदि कार्य दिखाई पड़ रहा है तो कोई ना कोई विद्यमान उसके लिए कारण होना चाहिए, कोई ना कोई कारण विद्यमान होना चाहिए। कोई भी कार्य दिखाई दे रहा है विवादास्पद कार्य को लेकर सब अधिष्ठान कोई उसके कोई अधिष्ठान विद्यमान होना चाहते हैं कोई कारण होना चाहिए। हमारे विवर्तवाद में अधिष्ठान बोलेंगे अधिष्ठान रखते परिणामवाद में कारण बोलेंगे कोई बात नहीं, परंतु कोई कार्य दिखाई दे रहा है तो सत्ता भी तो कोई कारण है यदि आपको दिखाई दे इसीलिए बोलते हैं विमतम सत अधिष्ठान कार्य भी कार्य होने के कारण, क्योंकि कार्य कभी भी अपने कारण के बिना नहीं रह सकता है। संप्रति पर जहाँ आप लोगों की मान्यता है उभयवादी संबंध में दृष्टान्त तो आपका हमेशा जो सभी वादी उभयवादी संबंध दृष्टान्त देना पड़ेगा जिस वादी के साथ आपका साथ प्राप्त हो रहा है वो भी जिसको मानते हैं आप भी जिसको मानते हैं इस प्रकार को दृष्टान्त देना पड़ेगा। दृष्टान्त शब्द से संप्रति पर जहाँ तुम्हारी मान्यता हो जहाँ तुम्हारी मान्यता वहीं पर देख लो कि ऐसा कोई कार्य कहीं दिखाई दिया किंतु असलवादी जो बोध रहेगा वो क्या समझता है कि अंकुर को नाश करके बीज की उत्पत्ति होती है, अंकुर को नाश करके बीज की उत्पत्ति होती है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं बौद्धवादी है ऐसे विनाश की उत्पत्ति है जो वैनाशिक बोलते हैं इसको उसको अंकुर को नाश करके बीज की उत्पत्ति होती है। तो हमारे सिद्धांत ये नहीं है वो अंकुर के अंदर का अनुगत जो तत्व है वो तत्व बीज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम असत को इतना मान तो बोलेगा कि असत का जो बात बोलते हैं वो सोचता है कि नाश विनाश की उत्पत्ति होते हैं, नहीं नहीं कारण वहाँ पे अनुभूत रहता है किसी भी कार्य में कारण का अनुसूचित रहता है यदि कारण वहाँ पे विद्यमान नहीं होता कार्य टिक ही नहीं सकता कार्य स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए न असत्यम जो न विधि यदि संदेह का प्रथम दृष्टम तेना विद्युमति यथा कभी विमतम सद अधिष्ठान कार्य तत्सत कन्नवत विवादस्पद जगत ये पक्ष है सद अधिष्ठान साध्य है कोई विद्यमान अधिष्ठान वाला होना चाहिए क्यों कार्य होने के कारण हेतु है संप्रति कन्नवत दृष्टान्त है। कोई अनुमान सही है कि नहीं है इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा दृष्टान्त में आपको हेतु और साध्य दोनों को बैठा कर दृष्टान्त क्या है आप जिस पर उभय संपद कोई जगह ले लो आप भ्रांति स्थल ले लो रक्त संपद दृष्टान ले लो अथवा घर वृद्धि का ले लो कोई भी बात नहीं अथवा तुम जो है बीजापुर न्याय बोल तो बीज नाश होकर मतलब बीज नाश होकर अंकुर नाश होकर के बीज उत्पन्न होता है उस जगह को भी ले लो उनको दिखाई नहीं दे रहा और हम दिखाएंगे तुमको किसी भी जगह पर ले लो। वहाँ पर क्या है कि आपको कि अंकुर एक कार्य है तो यहाँ पर संपत्ति तुम्हारे दृष्टान्त में कार्य चाहे खरा रूपी कार्य लो चाहे सर्प रूपी कार्य लो चाहे अंकुर रूपी कार्य लो ठीक है ना खरा के लिए कारण मृत्यु का और रज्जु को सर्प दिखाई दे उसके कारण रज्जु अथवा आपका जो अंकुर दिखाई दे रहा है उसके कारण बीज ठीक है ना। इसके और क्या हो जाएगा कार्य होती है कार्य के लिए कोई ना कोई सद अधिष्ठान चाहिए संपत्ति बन अधिष्ठान मतलब कोई ना कोई अधिष्ठान को दिखाई दे रहा है वो यदि खरा दिखाई दे रहा है तो मृत्यु का को दिखाई दे रहा है यदि सर्प दिखाई दे रहे हैं तो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और यदि आपको अंकुर दिखाई दे रहे हैं तो बीज जो नाश जो आप सोच रहे नाश हो गया वो नाश नहीं है उसके अंदर अंदर में वस्तु विद्यमान होना। इसलिए आप यहाँ पे इस अनुमान में जो दृष्टान्त है दृष्टान्त देखिए कार्यत्व रूपी हेतु भी बैठ जाएगा और सद अधिष्ठान साध्य भी बैठ जाएगा ठीक है ना। किसी भी अनुमान सही है कि नहीं है ये देखने के लिए आपको दृष्टान्त में हेतु और साध्य दोनों बैठ रहे हैं कि नहीं बैठे देखना पड़ेगा। फिर देखने के बाद आप देखिए कि आपको पक्ष में हेतु बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है पक्ष क्या है विमतम हेतु क्या है कार्य तो विवादास्पद जगत में कार्य तो आपने मान्यता दी तो कार्य तो बैठा उसका भी कोई ना कोई साधु दृष्टि हो
सदृष्टन। इस प्रकार से इस अनुमान के द्वारा ये सिद्ध होता है कि जो भी कुछ जगत दिखाई पड़ रहे हैं वो जगत कुछ न कुछ सत अधिष्ठान के, और मुख्य सिद्धांत हो गया है कि अधिष्ठान के बिना कभी भ्रांति होती नहीं। कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भ्रांति हो रहा है कुछ ना कुछ वस्तु है, और हमारे पास क्या है, माया नामक कोई अलग वस्तु नहीं है, अधिष्ठान की अत्याधिक माया है, अधिष्ठान की अत्याधिक माया है। परंतु हम इसीलिए हम अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण ये माया शरीर की कल्पना है। जिस दिन हम अपने स्वरूप को जान लेंगे उस दिन क्या होगा, शरीर संबंधित सब तत्व उठ ही जाएगा, इसलिए अज्ञानी माया है। तो हम सिद्धांत ही नहीं मानेंगे तो माया को जो अलग वस्तु मानेंगे तब तो अद्वैत सिद्धांत भी हानि होगी। अद्वैत सिद्धांत अपनी जगह पूर्ण प्रतिष्ठित है, जो सिद्धांत को ठीक से समझेंगे स्वरूप की अज्ञानी माया है उसके कारण पूरा संसार है। जिस दिन स्वरूप की ज्ञान हो जाता है फिर जो है फिर संसार में सब प्रकृति, तो क्योंकि आप अकेला नहीं है, आपके दृष्टि में नहीं रहेगा, अन्य के संसार रहेगा, इसलिए प्रकृति होगी। इस समय सुषुप्त में हम सो जाते हैं हमारे लिए संसार का लय हो जाता है। रात भर कितना लोग व्यापार करता रहता है उसके संसार उसे गए, लेकिन किसी प्रकार से जिसको ज्ञान हो जाता है उसके दृष्टि से संसार नाश होता है, अभी जिसको नहीं होता उसके संसार सभी के लिए ही प्रकार है। श्री मुद्दे हैं देवतम सत अधिष्ठान कार्यकर्ता स्वामी उक्ति अर्थिका में पूर्वार्थ अक्षराणी दिव्यति, जिस विषय के हम ये कहना चाहते हैं मतलब क्या कि विद्यमान किसी अधिष्ठान से ही भ्रांति अथवा उत्पत्ति होना संभव है। इस विषय में उक्ति अर्थ पूर्वार्थ अक्षर श्लोक के पहले आधे भाग हमें आए हुए जो अक्षर अथवा पद है उसको जो अक्षर को समन्वय करके दिखाते हैं भगवान दास का पाँच नंबर की टिप्पणी। कार्य से सत्पूर्वक रूपे अर्थ, कोई भी कार्य होगा ना कोई कारण उसका सत्रूप होगा, कहीं भी होगा किसी में, तीनों जगह भी दिखाया आपको, चाहे परिणाम बात हो चाहे विवर्त बात हो चाहे वैनाशिक बात हो शून्य बात हो, दिखाई नहीं दिया तीनों बात में आपका कोई ना कोई कारण सत्ता विद्यमान वस्तु से ही उत्पत्ति हो सकता है। विद्यमान वस्तु कार्य सत्पूर्वक रूप है, कार्य तो सत्पूर्वक है उस अर्थ में यह अविश्लोक अर्थ को दिखाता है भगवान सतो ही विद्यमाना। ध्यान देना कहीं सतो ही विद्यमाना ये पंचमी अर्थ में दिखा है, अगले में देखिए पेज 172 में देखिए अथवा सत विद्यमानस्य ना फर्स्ट टाइप में देखिए है ना, यानी कि एक जगह सत का पंचमी अर्थ किया एक जगह सत का षष्ठी अर्थ किया, एक सतो विद्यमाना एक सतो विद्यमानस्य, ठीक है ना, दोनों अर्थ में घट जाएगा। इसी प्रकार से आगे बोलते हैं सत्व ही विद्यमान कारणात माया निर्मित सहस्त्रादि कार्य से इव, माया के द्वारा जैसे हस्ती आदि कार्य को बनाया जाता है उसी प्रकार से जगत जन्म की जगत जगत की सृष्टि होना संभव हो सकता है। न असत कारणात शून्यवाद की प्रसिद्धि कभी नहीं होती हमारे सिद्धांत में, असत अविद्यमान वस्तु से नहीं होती, शक्ति नहीं है वो किसी काम की नहीं है, न असत कारण असत कारण से नहीं हो सकता। भाष्य को हमने पढ़ लिया था अच्छी तरह से, इसलिए भाष्य के अधिक यूनिटी का गोबर जा रहा है। तस्मात कारण से सत्यम अविवादम इति शेष, इसलिए तस्मात सतो ही विद्यमान कारणात माया निर्मित सहस्त्रादि कार्य शिव जगत जन्म युज्यते, न असत कारणात तस्मात, इसलिए तस्मात के साथ तस्मात चाहिए, तस्मात कारण से सत्यम अविवादम, इसलिए कारण की सत्ता है इसमें कोई विवाद ही नहीं है, कारण की सत्ता को लेकर के विवाद नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं कारण से सत्यम अविवाद नीति शेष, उसका आगे इतना जोड़ना पड़ेगा। शेष मतलब क्या है, इस पंक्ति के पूरा अर्थ करने के लिए इतना हिस्सा जोड़ना पड़ेगा, कहीं अनुसंग आता है मतलब जो पहले कथन करके है उसको दोबारा यहाँ पर अन्वय करके अर्थ करना, शेष मतलब इतना जोड़ना नहीं जोड़ो, भाष्य में इतना जोड़ने से पैदा हो जाएगा अर्थ पूरा हो जाएगा। तस्मात कारण से सत्यम अविवादम, इसलिए कारण की सत्ता विवाद रहित है इस विषय में, इसलिए ये मानना पड़ेगा न असत कारण शेष न असत इति तस्य निस्वभाव निस्वभावत्वा कारणत्व अजगत इति अर्थ, कि असत से उत्पन्न नहीं, न असत कारणात असत वस्तु से असत किसी का कारण नहीं बन सकता, यानी असत किसी का कारण नहीं बनता, क्यों नहीं बन सकता, वो अपने ही सत्ता वही है, वो जो सत्ता ही है वो किसी को सत्ता कैसे प्रदान करेगा, इसे बताए न असत इति तस्य निस्वभावत्ता उस स्वरूप से रहित होने के कारण, इट हैज नॉट येट कम इनटू द एग्जिस्टेंस एट ऑल, हाउ कैन इट प्रोड्यूस एनी एग्जिस्टिंग थिंग,
ये अभिप्राय, जिसके एग्जिस्टेंस ही नहीं है, असत्य रूप इसका अस्तित्व ही नहीं, इस अभिप्राय से निस्वभाव निस्वभाव तक कारणत्व अजोगा, वहाँ पे कारणत्व रूप धर्म होना संभव नहीं, जो वस्तु है ही नहीं उसके कारण तो धर्म होना संभव नहीं है। इसको मन में रखिए, पहले बात क्या बोलिए, जो है न तो तत्त एव आत्मना जन्म निर्जन, परम पारमार्थिक दृष्टि से जो है आत्मा से सृष्टि होना संभव, तो आत्मा नाम वस्तु को एक वस्तु है सिद्ध कर दिया, अब ये वस्तु में विकार होने का संभावना नहीं है, पर कभी भी कोई वस्तु उपादान कारक बनेगा ना, तो उपादान कारक को परिच्छिन्न होना नहीं, विकारी होना चाहिए, जिस किसी भी उपादान कारण कहीं भी देख लो उपादान कारण को मतलब मेटेरियल हो सकता है, तो उसको आपको परिच्छिन्न विकारी होना चाहिए किसी भी जगह पे आप देखो, परंतु सरस्वती ने निषेध कर दिया अविकारी माया मुंशन, ये तो अविकारी तत्व है और ये विभु है, व्यापक है, तो इसलिए निधिम सर्वरतम विभु है ना, पूर्ण है, व्यापक है, इस प्रकार के तत्व में तो परिणाम होना संभव ही नहीं है, इसीलिए अधिष्ठान कुछ है परंतु वहाँ से उत्पत्ति होना सबसे ज्यादा वर्ष तो होता है, एकमात्र विवर्त से कल्पना से सृष्टि दिखाई जाता है, इसलिए बोलते हैं कि न तो तत्त एवं आत्मोचन तत्व दृष्टि से आत्मा की जन्म होना संभव ही नहीं है। यहाँ पे टीका में देखिए भी बोलते हैं तथा भूतस्य अन्यथा भूतस्य च जन्म अयोगा है ना, मैं पहले शुरू किया था सत से सत की, सत से असत की, और असत से सत की, असत से असत की, चारों प्रकार की उत्पत्ति होना संभव नहीं, इसलिए बोलते हैं तथा भूतस्य अन्यथा भूतस्य च जन्म अयोगा, छह नंबर टिप्पण में तथा भूतस्य अन्यथा भूतस्य च मतलब क्या हो गया, सत असतोगा, चाहे सदात्मक वस्तु हो चाहे असकात्मक वस्तु हो, उसका भी है पारमार्थिक उत्पत्ति होना संभव नहीं है, अपना जन्म जो अभी होना संभव नहीं। सतह इति पंचमी अंतम पदम गृहीत्वा, सतह इति पंचमी अंतम पदम गृहीत्वा निमित्त कारण परतया व्याख्यातम, तो पंचमी अंत पद देखा क्यों किया, निमित्त कारण पर है ना, इसको एफिशिएंट कॉज बोलते हैं, तो जो जिसे घर बनाने में मिट्टी का हो गया उपादान कारण, कुम्हार हो गया निमित्त कारण, ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार से पहले ईश्वर को हम निमित्त कारण के रूप में मानते हैं, ईश्वर को निमित्त कारण रूप में मानने वाला तो अनेक बार ही है, परंतु वही ईश्वर जो है उपादान कारण ही है, ये मानने को एकमात्र विगत बात बिना संभव नहीं है, वो मानने वाला नहीं, इसलिए किसी वादी ने प्रकृति को माना, किसी वादी ने परमाणु को माना, अलग अलग बात वेदांत स्वतंत्र है, क्योंकि हमारे प्रतिज्ञा वाक्य है क्या, एक अमृत है ना, सृष्टि से पहले सजातीय विजाती सदृश नहीं थे वो वस्तु, वहाँ पे कहाँ से दूसरा वस्तु आ जाएगा, पंचमी अंतम पदम गृहित निमित्त कारण पर क्या व्याख्या, तो पंचमी अंत पद को ग्रहण करके निमित्त कारण के रूप में अपने निमित्त कारण के बोधक रूप में इस श्लोक के पहला माध्यम आपको व्याख्यान कर दिया गया, संप्रति सतह यदि षष्ठी अंतम पदम आगाय उपादान परतया व्याख्यान करोती, तो इसलिए आप कोई वही अभिन्न निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है, हमारे कब जब माया के साथ बोले, परंतु ना उपादान कारण हो सकता है ना निमित्त कारण हो सकता है, जब कब जब कुछ है सृष्टि भी मतलब माया उपाधि नहीं है तब कुछ नहीं करता, देखो एक ही जगह पे भगवान से न करते न कर्म न लोग से सीधे कर्म न जो कर्म प्रदर्शन करो समान उसको करो, बोला कि भगवान की पंचमाता नहीं कुछ भी नहीं करता भगवान, न दत्ते कश्चित पापम न चिदम सुकृतम विभु अज्ञाने न आपृतम ज्ञानम तेन भूयते जन्म, केवल भगवद गीता को ठीक से पढ़ लेंगे तो अजन्म सिद्ध हो जाएगा, अज्ञातवाद कुछ का नवम अध्याय में देखिए कल कैसे देखा है पूरा अध्याय, तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो है वो जो पूर्ण व्यापक असंग तत्व है ना उसको किसी का कारण बन सकता है ना उससे कोई उत्पन्न हो सकता है, इसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे संप्रति सतह षष्ठी अंतम पदम आदाय, अब जब षष्ठी अंतम पद को ग्रहण करके उपादान परत उपादान के रूप में व्याख्यान करते हैं, तो वो ना वो उपादान के रूप में हो सकता है ना वो निमित्त रूप से व्यक्त है, क्योंकि हमारे मंदिर को कहता है अजातवाद को सिद्ध करता है, जब हम सृष्टि को मान जहाँ कहीं भी सृष्टि वाद को आया हुआ है चाहे वो सब सभी वो संवेदन मंत्री चाहे आत्मावाई दो मंत्री अथवा ब्रह्मवाई दो मंत्र समस्त वहाँ पे माया को ही तो चेतन को बोला जाता है, और माया को ही तो चेतन को शब्द प्रयोग करके लक्षित होता है निर्विशेष चेतन, क्योंकि उस निर्विशेष चेतन के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं होता,
निर्विशेष चेतन के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं होता, इसीलिए हमको सृष्टि की प्रक्रिया में जहाँ कहीं शब्द आया हुआ है वो माया उपहितक चेतन को ही कहा गया है शब्द, परंतु लक्षित हो रहा है उससे निर्विशेष। तभी जा करके माया के कार्य जो दिखाया गया था उसको निषेध कर दे दिया सती विकार नाम निरवृत्ति का समस्त कार्य को निषेध कर देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी जो हम ना मानते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण, परंतु जिस तत्व को आप अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहना चाहते हो ना वो निमित्त बन सकता है ना उपादान बन सकता है। माया उपाधि से सब बन सकता है क्योंकि सारा का माया माया छोड़ तो कुछ नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हम जगत के मिथ्या बोलते हैं किसके सापेक्ष मिथ्या बोलते हैं, निर्गुण मिला का निर्विशेष के सापेक्ष में जगत मिथ्या ईश्वर तक मिलता है। सुनने में जरा हार्ड लगता है परंतु वो ईश्वर की माया के कारण ईश्वर के सब तत्व का मिथ्या नहीं बोल रहे हैं, माया को मिथ्या बोल रहे। कल भी मैं बताया था ईश्वर भी काल से जगत सत्तम न व्यभिचार व्यभिचार कहाँ है, नाम रूप में नाम रूप को मिथ्या बोलते हैं, अधिष्ठान को मिथ्या नहीं बोलते हैं, अधिष्ठान को मिथ्या नहीं। देखो चाहे आप जो है निमित्त रूप में देखो माया से तो ये होना संभव है, माइक जन्म हम मानते हैं माइक प्रतिक्रिया मानते हैं पारमार्थिक होना संभव है न तो तत्व पारमार्थिक कथा तथा आत्मा ठीक है ग्रहण नहीं होने पर भी जब तक हमको लाइट नहीं जलाता तब तक हमारे रज्जु का ग्रहण नहीं होगा, परंतु लाइट जलने से ही रज्जु ग्रहण सर्व अपने आप चलेगा। ठीक उसी प्रकार अंदर से आत्मा की प्रकाश जैसे अभिव्यक्त होगा तभी आपको फिर जो है ये जो शरीर के साथ तादात्म्य अपने आप छोड़ जाता है। इसीलिए अथा अग्रह्य भी इस समय ग्रहण नहीं होने पर भी सतैव आत्मा सतरूपी आत्मा का ही रज्जु सर्वगत जैसे रज्जु सर्व रूप में दिखाई पड़ता है वही आत्मा वही मैं जगत रूप में दिखाई पड़ता है वही मैं जगत। यदि ये निश्चय रहे जब कभी भी कोई व्यक्ति आपको कोई चाहे मान हो चाहे अपमान हो व्यवहार होता है यदि आपका मन में ये निश्चय नहीं इस पिंड में चेतनता प्रदान करके व्यवहार करना उसका मन मन कभी ये नहीं होगा। इस प्रकार हमारी हाथ हाथ ऐसे ऐसे करते करते कभी आँख में लग जाता है, मैं कभी हाथ उंगली के ऊपर गुस्से नहीं होता, मैं नहीं कहता मेरा उंगली का क्यों मैं कर बैठा। इसी प्रकार पूरा जगत में जितना पिंड दिखाई देगा सभी मेरा ही स्वरूप है, ये भाव भी दिमाग जाता है तो इससे देश का लोग इससे भी लेकर दोनों एक दिन इस प्रकार से निरपेक्ष के भाव में आ सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ रज्जु सर्व का दोनों प्रकार से दिखाई आते जगत रूप न माया जन्म विचार न तो तत्त्व एवं अदृश्य आध्यात्मिक सुख जन्म होना संभव ही नहीं। संपत्ति सतैति षष्ट्यत्व हो अथवा ठीक है यथा रज्जो सर्वधारादि आकारेण माया कृतम जन्म इस प्रकार रज्जु का ये प्रतिपद क्या है इसका रज्जो कौन सा रज्जु हाँ इसका कौन सा युवक है यहाँ षष्ठी तो षष्ठी मंत्र तो एक होगा तो रज्जु हो सर्प धारा चाहते पुस्तक में क्या लिखा है वहाँ पे स्पेलिंग में क्या लिखा है स्पेलिंग में क्या लिखा है सर्प धारा ना ना रज्जु का स्पेलिंग में क्या लिखा है रज्जु तो वो है कि नहीं वो डबल जाने रज्जु तो डबल जो कैसे हो जाएगा तो एक जगह को वकार करें अथवा उसको डबल जगह का रखेंगे तो आपको रज्जु में उकार है आपका षष्ठ गुरु शब्द का षष्ठी एक बच्चे के अंदर गुरु हो बनता है ना यहाँ पे जो है रज्जु का रज्जु का रज्जु करके ठीक है रज्जु हो रज्जु का ठीक है यहाँ पे गुरु हो षष्ठी एक बच्चे दो जगह है रज्जु ठीक है उकार सृष्टि के बीच में जा रहे थे ठीक है तथा रज्जु सर्पधारादि आकार जैसे रज्जु का सर्पधारादि आकार के द्वारा माया के तम जन्म सर्प द्वारा विचित्र माने इस प्रकार माया से जन्म होता है तथी को अक्राइसिस अभी सदरूप से जिसका विषय रूप में ग्रहण नहीं होने पर भी सदरूप से आत्मतत्व हमेशा विद्यमान रहता है जो सदरूप आत्मतत्व उसका
जगत आत्मना जगत रूप से जन्म जो अपनी होता है माया पर कर्तव्य वो माया के द्वारा दिखाई पड़ता है ऐसा समझना चाहिए। माया पर कर्तव्य जन्म टीका में जन्म रहित वस्तु तो जन्म व्याघाता अर्थ है जो जन्म से रहित है उसका जन्म हो गया ये व्याघात दोष है। थोड़ा सा भी अटेंशन इधर उधर हो जाता है ना तो चले जाते हैं किसी प्रकार से मान के दूसरे जगह पर गया होगा तो लगता है ठीक मैं अपने जगह पर आते जन्म रहित वस्तु जन्म व्याघाता यदि अर्थ जन्म से रहित जो वस्तु है उसका भी जन्म होता है ये कहना युक्ति संगत नहीं है यदि अर्थ उत्तरार्थम विभाजित श्लोक की अगला आधा भाग को अलग करके व्याख्या करते हैं भगवान भाष्कर जस पुनः परमार्थ सत अजम आत्मतत्व जगत रूपे न जागते जिस जन्म रहित तत्व आत्मतत्व है जो जगत रूप में पैदा होता है इस प्रकार बोलने वाले नहीं तस्य अजम जायते शक्तम वक्त विरोधा आपने तो देखना किया कि मूल कारण जन्म रहित है और फिर बाद में कहा उसी का एक जन्म हुआ ये कहना जो है विरोध होता है यानी व्याघात दोष होते हैं। अर्थात जातम जाया इससे क्या सिद्ध होगा आर्थिक अर्थ सिद्ध होगा जो जो वस्तु विद्यमान है उसी के उससे कुछ पैदा होता है आपन्न इस प्रकार भाव प्राप्त होने पर ततश्च अनवस्था उससे कहे अनवस्था दोष आ जाएगा जाता जायमान देगा जन्म हुए वस्तु से फिर जन्म हो रहा है वो जन्म हुआ वस्तु कहाँ से आएगा इसलिए उसके लिए भी जायमान वस्तु की कल्पना करना पड़ेगा इसलिए अनवस्था दोष आ जाएगा पर लिए जन्म संपत्ति को जन्म दिया तो जन्म हुआ तब उससे भी उत्पन्न जाकर मालिक जन्म न प्राप्ति करने स्थिति फलिका इस प्रकार जन्म माइक है इस प्रकार इस निश्चय हो जाने पर माइक जन्म न तात्विक पारमार्थिक होना संभव नहीं स्थिति इस प्रकार स्थिति प्राप्त होने पर फलितम आह निष्कर्ष क्या निकले सर क्या निकले अच्छो क्या तस्मात अजम एक आत्मतत्व सिद्धम से जन्म नहीं एक आत्मतत्व पारमार्थिक वस्तु है ये सिद्ध होता है इस प्रकार से सेवन नंबर पर समाप्त होता है आज का समय आज कौन सा क्रम है फर्स्ट लास्ट वाला यत् प्रज्ञालोकाभाषा प्रतियति अगमत् स्वान्तस्थ महान्तकारो मज्ज च भोगे यशसे उपजन उदकवति त्राशमेमि यत्पादौ आस्कितानां श्रुतिशमभिनयः प्राप्तिरत्राभिगमो न तत्पादौ कामनीयो पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवद्वारायणं सुप्रभाषतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमगत्यात्तदेहाय दक्षिणा